पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो गेट 2021 थ्रू होने वाला है। तो क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या है इसकी एज लिमिट्स, सभी इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूँगा। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर गेट एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक की होगी तो आप वो चेंज कर सकते। उसकी लास्ट डेट है 23 नवंबर, उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पीएससी रिक्रूटमेंट के लिए आपको एलिजिबल होना है तो आपको पहले गेट 2021 में अच्छे से स्कोर करना होगा। तो गेट 2021 में अच्छे से स्कोर करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए मैं लेके आऊँ अन अकेडमी प्रेजेंट गेट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो कि होने वाला है 29 नवंबर को। यहाँ पे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होगा जो कि 65 क्वेश्चंस का होगा और 180 मिनट्स का होगा। ये जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट रहेगा और पूरा गेट 2021 के पैटर्न पर रहेगा। और टेस्ट होने के बाद आपको फ्री टेस्ट एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे आप अपने वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते और उस पर वर्क कर सकते हो। अगर आप अच्छे से स्कोर करते हो तो आप प्राइजेस भी विन कर सकते हो, जैसे कि अगर आपका रैंक आता है 1 to 5 में तो आप 5000 का अमेज़न वाउचर विन कर सकते हो। अगर आपका रैंक आता है 6 to 10 में तो आपको 3300 का वाउचर मिलेगा। अगर आपका रैंक आता है 11 to 15 में तो आपको 1650 का वाउचर मिलेगा। तो ये किन किन ब्रांच के लिए अवेलेबल है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड सी एस एंड आई टी के लिए। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप फ्री में एनरोल कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि जो रिक्रूटमेंट है PGCIL का जो कि है पावर ग्रिड इंडिया लिमिटेड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप वीडियो यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, PSU रिक्रूटमेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पावर ग्रिड इंडिया के लिए क्या होने वाली है। अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल इंजीनियरिंग से हो तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो। उसमें आपको मिनिमम 70% मार्क्स चाहिए जो कि आपके ऑल सेमेस्टर के मार्क्स होंगे और वहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्राइटेरिया क्या होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी एज 28 ईयर से कम होनी चाहिए। अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जो कि होगा 31 ईयर्स। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा जो कि होगा 33 ईयर्स। अगर आप PWD कैंडिडेट से हो तो आपका रिलैक्सेशन रहेगा 10 ईयर जो कि होगा 38 ईयर्स। तो अभी हम बात करते हैं कि पावर ग्रिड इंडिया की जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। तो पावर ग्रिड इंडिया जो है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए रिक्रूटमेंट करेगा, जहाँ पे आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, जो फर्स्ट ईयर के लिए ट्रेनिंग पीरियड में आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डेजिग्नेशन रहेगा। उसके बाद आप ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर के लिए। अभी हम बात करते हैं इसकी सैलरी क्या होगी। तो सैलरी जो होने वाली है वो 60,000 से 1,80,000 के बीच में रहेगी, जो कि आपकी 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड में रहेगी। उसके बाद आपकी सैलरी इंक्रीज की जाएगी। अगर पूरी सैलरी जाननी है तो आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। बहुत सारे PSU है, उनका बॉन्ड एग्रीमेंट भी रहता है, वो आपसे बॉन्ड साइन करवा के लिए। तो पावर ग्रिड इंडिया भी वैसे ही करता है। तो पावर ग्रिड इंडिया का जो सर्विस एग्रीमेंट रहेगा वो 4 साल का रहेगा, मतलब 1 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड, उसके बाद आपको 3 साल कंपलसरी कंपनी को सर्व करना है। तो बॉन्ड का जो प्राइस रहेगा वो 5 lakh rupees फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपके लिए जो बॉन्ड रहेगा वो 2,50,000 का रहेगा। अभी हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर पावर ग्रिड इंडिया के लिए फर्स्ट तो होगी आपको गेट 2021 के लिए अपेयर होना पड़ेगा, उसके बाद आपका GD राउंड होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो 3 स्टेज में ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो फर्स्ट है आपको गेट 2021 में अच्छे से स्कोर करना है, उसके बेस पे आपका फर्स्ट सिलेक्शन होगा। वो सिलेक्शन होने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन होने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उनका वेटेज भी उन्होंने मेंशन किया है। तो वेटेज है, अगर आप गेट 2021 में अच्छे से स्कोर करते हो तो आपका आधा काम यहाँ पे ही फिनिश हो जाता है। देखिए क्यों, क्योंकि 85% जो मार्क्स है वो गेट 2021 के बेस पे होने वाले हैं। उसके बाद जो 3% मार्क्स आपको ग्रुप डिस्कशन से कंसिडर किए जाएंगे और पर्सनल इंटरव्यू को 12% मार्क्स रहेंगे। तो मतलब क्या है, जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा उसमें 85% मार्क्स जो है गेट 2021 को रहेंगे, ग्रुप डिस्कशन को 3% मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 12% मार्क्स। अगर आप गेट 2020 में अच्छे स्कोर करते हो तो आपका बहुत सारा मतलब 50% काम आपका यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। तो गेट 2021 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। तो अभी हम बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है। गेट 2021 की डेट्स तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, बट
पावर ग्रिड इंडिया का एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पावर ग्रिड इंडिया अपना एप्लीकेशन फॉर्म 15 जनवरी से शुरू करने वाली है और जो इसका लास्ट डेट रहेगा वो 15 फरवरी। तो ये थी पूरी पावर ग्रिड इंडिया की रिक्रूटमेंट की डिटेल। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही PSU या फिर अदर रिक्रूटमेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।